ये है जलेबी और आलू की सब्जी। ये देखिए आलू की सब्जी लगाई है और वो स्वाद मुंह में घुला, मजा ही आ गया भाई। यूनिक कॉम्बिनेशन। ओमा पहलवान कचौड़ी वाले, इस वक्त है हम मथुरा में और मथुरा में कहाँ पे है एग्जैक्ट बताइए मैडम। हमें इस वक्त होली गेट तिलक द्वार पर और मथुरा में रहना है। राधे राधे कहना है और कचौड़ी भी खानी है। कचौड़ी तो खानी है लेकिन अंकित जलेबी के साथ आलू की सब्जी, ये खाई है तूने कभी? एग्जैक्टली ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना, ये है जलेबी और आलू की सब्जी, वही आलू की सब्जी जो कचौड़ी के साथ मिलती है। लेकिन यहाँ के लोग, मथुरा के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, जलेबी और आलू के कॉम्बिनेशन को। तो एक बार कॉम्बिनेशन मैंने इससे पहले कभी नहीं ट्राई किया, देखा भी नहीं, हमने सुना भी नहीं। हाँ कभी नहीं ट्राई किया। और यहाँ आकर जब मुझे पता चला कि एक पहलवान जी की दुकान है जो कई पीढ़ियों से रन हो रही है और वो पहलवान जी लोगों को जलेबी के साथ आलू की सब्जी खिला रहे हैं, तो हम आ गए फौरन यहाँ पर। चलिए ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं कैसा होगा टेस्ट इसका, आलू की सब्जी और जलेबी का, देसी घी की जलेबी। भैया जलेबी भी ऐसे बूंदी वाले स्टाइल में बना रहे हैं, नॉर्मली जलेबी ऐसे गोल गोल के बनाते हैं। ये देखिए आलू की सब्जी लगाई है, जलेबी का स्वाद में क्या खास है? मीठा और कॉम्बिनेशन है, मतलब चटपटी सब्जी का, हींग का ज्यादा टेस्ट आ रहा है, जलेबी क्रिस्पी है और एक अलग ही कॉम्बिनेशन बना रहा है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो अच्छा तो लग रहा है लेकिन हम मेरे को आदत नहीं है खाने की, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि यार क्या वाकई में जलेबी के साथ सब्जी खाई जा सकती है आलू की, लेकिन अच्छा खाई है तो क्या कहेगा, खानी चाहिए, खानी चाहिए यार। अच्छा मतलब मथुरा के लोग वाकई में जो है एक अलग टेस्ट के साथ ये ट्राई कर रहे हैं, तो हमें भी ट्राई करनी चाहिए वाकई में। चाशनी में घुली जलेबी के साथ जब ये रसेदार आलू की सब्जी का रस घुला और वो स्वाद मुंह में घुला, मजा ही आ गया भाई। इन और मीठे का कॉम्बिनेशन है और मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन, एक बार आपको जरूर आकर यहाँ ट्राई करना चाहिए। उमा पहलवान कचौड़ी वाले, जलेबी बनाने का स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ये वैसे हमारे यहाँ जो जलेबी बनती है रिंग वाली, लेकिन ये रिंग से डिफरेंट जलेबी है, देखिए है वो रिंग की बनाते हो लेकिन आप जो है ये घुमा घुमा के जो बना रहे हो, ये देखिए यूनिक स्टाइल है। कितने साल से जलेबी बना रहे हो भैया? कितने साल से जलेबी? मैं बना रहा हूँ 40 साल से। 40 साल से, और उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र है करीब 55 साल। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो भैया इनकी जलेबी और आलू की सब्जी और कचौड़ी और आलू की सब्जी, कचौड़ी और आलू की सब्जी लेके आता हूँ। मैं तेरे को इसकी कचौड़ी बनाते हुए दिखाती हूँ कि क्या सड़ा सट कचौड़ियाँ बनाते हैं, एक बारी में कढ़ाई में 200 कचौड़ी तो ऐसे ही बना रहा है। चलिए देखिए कचौड़ी की मेकिंग पहले इनकी, तो वाह भाई वाह, देखिए कचौड़ी की मेकिंग हो रही है यहाँ पे, जबरदस्त कचौड़ी बन रही है, उमा पहलवान की कचौड़ी। भैया 50 साल से यही टेस्ट है और हर कोई इनकी कचौड़ी का दीवाना है मथुरा में। आ हा हा हा, मजेदार कचौड़ी। सब्जी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सब्जी इनकी आलू वाली हींग वाली सब्जी है और जलेबी खटाखट, आए 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 ये उतर रही है कढ़ाई में, देसी घी की जलेबी है। भैया मजा आ गया वाकई में। चलिए अब चलते हैं मनोज के पास, मनोज तीसरी पीढ़ी है इना, और उनका कहना है कि जैसी कचौड़ी यहाँ मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती मथुरा में। पहलवान दादाजी ऐसी क्या टिप्स देकर गए हैं जो मथुरा वालों को पिछले 50 साल से कचौड़ियाँ खिला रहे हैं ये? चलिए बात करते हैं। तो इस वक्त है हमारे साथ मनोज भाई, मनोज भाई तीसरी पीढ़ी है, उमा पहलवान जी के पोते हैं। कब शुरुआत हुई थी मनोज इस शॉप की? इतनी मुझे जानकारी नहीं है शॉप की, 50 साल से ज्यादा हो गया। 50 साल से हो गए, लमसम ऊपर ही हो गया टाइम। हाँ ऐसा क्या कुछ खास है आपकी कचौड़ी में और जलेबी में और आपके आलू की सब्जी में कि भैया आप दीवाने हैं मथुरा के लोग? देखिए सबसे बड़ी जो बात है हमारी सब्जी की वो है हींग। अच्छा। हींग सबसे नंबर एक की डलती है हमारे यहाँ, और हमारा यही मानना है कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं। अच्छा। जो हमारे बाबा के टाइम से चला आ रहा है उसी पर हम लगे हुए हैं, अपनी क्वालिटी बनाकर चल रहे हैं, जिसमें हमारे मसाले लौंग काली मिर्च का जो ज़्यादा प्रयोग होता है, लाल मिर्च वगैरह कम प्रयोग होता है। ये हमारी सबसे इंग्लिश वो सब्जी की स्पेशलिटी है, क्योंकि बच्चा भी मतलब एक एक दोना सब्जी पी जाता है, कचौड़ी खाता है, तो उसको भी मतलब ऐसी मिर्चें नहीं लगेंगी। और
दूसरी बात, कचौड़ी हमारी मूंग की दाल की है, जो कि आप दो तीन कचौड़ी खाने के बाद भी आदमी को भूख लग जाती है। ये नहीं है कि एकदम भारापन या कुछ, और उसके संग जो हींग का वो कॉम्बिनेशन चल ही रहा है। अच्छा, कितने रुपये प्लेट है कचौड़ी? कचौड़ी कचौड़ी 10 रुपये पीस है। अच्छा। और बात की थी आपके दादाजी ने, तब कितने रुपये रखी होगी उसकी? तो मैंने 1 रुपये की 4 सुनी थी, यानी उतना मुझको ध्यान नहीं है, और उससे भी कम ही होगा, जो कि आज के समय में वो पैसा चलता ही नहीं है, बंद हो गया। एक आने की यानी कितने की थी बताते थे लोग, बार जो हमने सुना है, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, जो बाबा के उम्र के हमारे हैं, आज भी जब आते हैं तो बताते हैं, बोले हमने भाई एक आना की 4 खाई थी या कितनी खाई, ये बताते हैं लोग बार। तो दोस्तों, उमा पहलवान जी की कचौड़ी हमने खाई, उनकी जलेबी हमने टेस्ट की, और वाकई में मज़ा आ गया। क्यों ना, जबरदस्त स्वाद है यार, वो सही कह रहे हैं, ढोने से ऐसी सब्जी पी जाओ और पता भी नहीं चलेगा, ना कोई मसालों की जलन, ना कुछ, स्वाद ही स्वाद। तो अगर आप मथुरा में, मथुरा के आसपास है, तो यहाँ पर आकर ज़रूर बनता है इनकी कचौड़ी और जलेबी ट्राई करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके मथुरा के स्वाद के बारे में, उमा पहलवान की कचौड़ी के बारे में। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और खिचड़ी द फूड चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।